Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are on question number 3 of exercise 3.3. Question says, form the pair of linear equation for the following problems and find their solutions by substitution method. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले linear pair बनानी है and then x और y की value निकालनी है substitution method से. तो first है हमारे पास, the difference between two number is 26. दो नंबर का डिफरेंस, मतलब उनको माइनस किया तो 26 आया. एंड वन नंबर इज थ्राइज द अदर नंबर, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का थ्राइज है, मतलब थ्री टाइम्स है. तो पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई. ठीक है जी. अब यहाँ पे हमने पहला दे रखा था कि दोनों का डिफरेंस 26 है, तो x में से अगर मैं y माइनस करूंगी तो 26 आना चाहिए. ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, गॉट इट. सो यहां से पहली इक्वेशन मिल गई. दूसरा हमें दे रखा है, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर. अब इनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का थ्री टाइम है, मतलब अगर जैसे यहाँ पे मैंने x पहले लिखा है, x माइनस वाई लिखा है ना, मतलब x बड़ा लिया है मैंने, तो मैं लिख सकती हूँ कि x इक्वल है 3 टाइम्स y. समझ में आया कैसे हुआ? x एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, तो हमने कह दिया कि y का 3 टाइम्स x होगा. तो यहां से आई कैन डू, ये मेरी हो गई मान लो सेकेंड इक्वेशन. ठीक है जी. आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, x की वैल्यू ये तो है ही हमारे पास. वैसे आप चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, बट उसका कुछ फायदा नहीं है, x की वैल्यू तो हमें निकालनी थी. तो यहाँ पे है x इक्वल्स टू 3y. अब इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो हमारे पास है x माइनस y इक्वल्स टू 26. x हो गया जी 3y माइनस y इक्वल्स टू 26. 3 में से 1 गया, 2y इक्वल्स टू 26. y इक्वल्स टू आ जाएगा 26 अपॉन 2, मतलब 30. ठीक है जी, y की वैल्यू आ गई 13. अब हम x यहां से ही निकाल लेंगे. सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. x इक्वल्स टू है 3y, y अभी हमने निकाला 13, इसका मतलब ये हो गया 3y की जगह रखा 13. नाउ 13 इंटू 3 करेंगे तो वी विल गेट 39. तो x आ गया 39 एंड y आ गया 30. ओके जी, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, यही हमें फाइंड करना था. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो. सारे पार्ट्स मैं अलग अलग वीडियोस में करूंगी एंड उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा, तो आपको ज्यादा जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे.